आईपीएल सीजन 17 में 27 अप्रैल को डबल हेडर मैच, पहले मुकाबले में मुंबई और दिल्ली के बीच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ंत होगी। मुंबई इंडियंस ने पिछले मैच में दिल्ली को 29 रन से हराया था। इस बार दिल्ली अपने घर में हार का हिसाब चुकता करना चाहिए। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होगी LSG और राजस्थान। आईपीएल में दोनों टीमें अब तक 4 बार भिड़ चुकी हैं। इनमें 3 मैच राजस्थान ने जीते हैं, जबकि 1 मैच में लखनऊ ने जीत हासिल की। केकेआर के हरफनमौला खिलाड़ी सुनील नरेन ने टीम के मेंटोर गौतम गंभीर पर बड़ी बात की। सुनील नरेन का मानना है कि गंभीर के जुड़ने से टीम को एनर्जी और नई दिशा मिली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को ICC ने T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर बनाया। T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर बनने के बाद युवराज सिंह ने बताया कि इस टूर्नामेंट से काफी यादें जुड़ी। युवराज सिंह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने की सलाह दी। यू के मुताबिक रोहित और विराट के T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने दिया सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर बड़ा बयान। युवराज का मानना है कि अभिषेक शर्मा अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम चुनी। मांजरेकर ने T20 सिलेक्शन में विराट कोहली, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल को अपनी टीम में जगह नहीं दी। चोट की वजह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स क्रिकेट से दूर, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अमेरिका पहुंचे। बेन स्टोक्स अमेरिका के मैनचेस्टर में फंस गए हैं। वीजा नहीं मिलने की वजह से स्टोक्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने खुलासा करते हुए बताया कि उनके पास 1000 बल्ले। पोंटिंग ने बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाले सारे बैट उनके पास हैं। पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 71 शतक जमाए। इंडोनेशिया की ऑफ स्पिनर गेंदबाज रमालिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचा। बाली में खेले गए मंगोलिया के खिलाफ सीरीज के 5वें मैच में रमालिया ने 20 गेंदें फेंकी, जो सभी डॉट बॉल थी। इस दौरान उन्होंने 7 विकेट लिए।